नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसकी मैंने आपको दो मेन विधियाँ बताई थी, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और नंबर दो पे है सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर दो अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि या सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में ख्याति निकालने की तीन विधियां होती है। नंबर एक, अधिलाभों के क्रय के आधार पर नंबर दो, अधिलाभों की वार्षिक वृद्धि विधि और नंबर तीन, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। तो अधिलाभ विधि में तीन विधियां होती है, एक है अधिलाभों के क्रय के आधार पे, दूसरी है अधिलाभों की वार्षिक वृद्धि विधि और तीसरी है अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। अब ये कि पहली है अधिलाभों की क्रय के आधार पे, तो अधिलाभों के क्रय के आधार पे जो अपनी ख्याति का मूल्य निकालते हैं, यानी पहले अपने करेंगे पहले विधि अधिलाभों के क्रय के आधार पे। अधिलाभों के क्रय के आधार पे जब ख्याति का मूल्य निकालेंगे तो इसमें ख्याति का सूत्र होएगा अधिलाभ इनटू में क्रय के वर्ष, अधिलाभ इनटू क्रय के वर्ष। तो अधिलाभों के क्रय के आधार पे जब ख्याति का मूल्य निकालेंगे तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया, अधिलाभ इनटू क्रय के वर्ष। अब बात आती है अधिलाभ क्या होती है। अधिलाभ ये जिसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, होता क्या है, अधिमान्य अधिक लाभ, यानी कि ये कहने का मतलब है कि जो जिस फर्म की अपने बात कर रहे हैं या सवाल कर रहे हैं जिस फर्म का, वो फर्म ये इस व्यवसाय में कितना अधिक लाभ कमा रही है। अगर मान लो वो राशि इस फर्म में विनियोजित न कर कहीं और विनियोजित कर देती, किसी कंपनी में लगा देती, किसी के इन्वेस्टमेंट खरीद लेती, किसी के शेयर खरीद लेती, तो वहाँ पर उसे कितना कम लाभ होता और यहाँ पर उसे कितना ज़्यादा लाभ हो रहा है, वो क्या अधिलाभ है या अधिक लाभ है। यानी अधिलाभ इनटू क्रय के वर्ष, तो पहले हमें अधिलाभ निकालना है। अधिलाभ, अब अधिलाभ का सूत्र क्या होता है, देखो अधिलाभ का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ, औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ। औसत लाभ में से क्या करते हैं, सामान्य लाभ को घटा देते हैं। औसत लाभ में से जब सामान्य लाभ को घटा देते हैं तो अपना अधिलाभ बच जाता है। अब बात आती है कि औसत लाभ क्या होता है, जो हमने पहले निकाल चुके हैं कि औसत लाभ कैसे निकाला जाता है। सामान्य लाभ, तो सामान्य लाभ आपको निकालना पड़ेगा, और सामान्य लाभ का क्या फॉर्मूला होता है, देखो सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्यय दर बटे में 100। यानी विनियोजित पूंजी को क्या करेंगे, सामान्य प्रत्यय दर से गुणा कर देंगे और 100 से भाग देंगे, तो आपका सामान्य लाभ आ जाएगा। अब औसत लाभ में से जब सामान्य लाभ घटा दोगे तो वो अधिलाभ आ जाएगा, और अधिलाभ को किससे गुणा कर देना, क्रय के वर्ष से गुणा कर दोगे तो आपका ख्याति का मूल्य आ जाएगा। अब बात आई विनियोजित पूंजी की, तो विनियोजित पूंजी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था,
एक तो होता है कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटा देते हैं तो क्या आएगी, आपकी विनियोजित पूंजी आ जाएगी। यानी कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को घटा देंगे तो क्या आएगी, आपकी विनियोजित पूंजी। सामान्य प्रत्यय दर आपको दी होगी, बटे 100 लिख दोगे, ऐसा करके आपकी विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्यय दर बटे 100 करो सामान्य लाभ आ गया। अधिलाभ निकालने के लिए औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटा दिया तो आपका अधिलाभ आ गया, अधिलाभ को क्रय के वर्षों से गुणा कर दिया तो आपका ख्याति का मूल्य आ गया। तो जब अधिलाभों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालते हैं तो ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू क्रय के वर्ष, अधिलाभ को क्या करो कि क्रय के वर्षों से गुणा कर दो कि आपका ख्याति का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपने एक था औसत लाभों के क्रय के आधार पे, उसमें औसत लाभ को क्रय के वर्षों से गुणा कर दिया, इसमें क्या करेंगे अधिलाभ को क्रय के वर्षों से गुणा कर देंगे तो आपका ख्याति का मूल्य आ जाएगा। उसके बाद है कि देखो अपने एक सवाल लिखते हैं, एक उदाहरण द्वारा इसको समझो। पहले किसी फर्म में एक्स और वाई दो साझेदार हैं, एक्स और वाई जो लाभों को 3-2 में बांटते हैं, लाभों को 3:2 में बांटते हैं, उनके पिछले 4 सालों के लाभ इस प्रकार है, उनके 4 सालों के लाभ इस प्रकार है, पहले साल 20,000, फिर 25,000, फिर 28,000 और फिर 30,000, ठीक है। अब आपको ये कह दें उनकी टोटल असेट्स यानी कुल संपत्तियां उनकी 2,00,000 टोटल लाइबिलिटीज या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1,00,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% एनुअल, यानी वार्षिक जो रेट है वो कितनी है, नॉर्मल है 10%, यानी ये मान लो सामान्य प्रत्यय दर है, ये आपकी सामान्य प्रत्यय दर। अब टोटल असेट 2,00,000, एक्सटर्नल 1,00,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और ये आपका, तो आपको क्या चाहिए औसत लाभों के क्रय के आधार पे और अधिलाभों के क्रय के आधार पे, दोनों तरह से इसमें मान लो आपको ख्याति का मूल्य निकालना है। औसत लाभों के क्रय के आधार पे और अधिलाभों के क्रय के आधार पे आपको ख्याति का मूल्य निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले अपने देखो औसत लाभ के आधार पे निकालें चाहे अधिलाभ के आधार पे निकालें, इसमें जो प्रॉफिट लिया जाएगा वो भारित वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा, क्योंकि लाभ है वो बढ़ते हुए क्रम में है, पहले 20,000 है, फिर 25,000 है, फिर 28,000 है और फिर 30,000 है। तो पहले क्या करोगे, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, पहले प्रॉफिट लिखा आपने ईयर, प्रॉफिट वेट ईयर, प्रॉफिट वेट और प्रोडक्ट, ऐसा करके पहले आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे 2001, 2002, 2003 and 2004। प्रॉफिट है अपना 20,000, 25,000, 28,000 और 30,000। वेट कैसे देते हैं, सबसे कम प्रॉफिट को 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो प्रॉफिट आ गया 20,000, 25,000, 28,000, 30,000, वेट कितना आ गया 1, 2, 3, 4। प्रोडक्ट होएगा 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करें 20,000, 25 को 2 से करेंगे 50,000, 28 को 3 से करोगे 84,000 और 30 को 4 से करोगे 1,20,000।
अब अपने क्या करते हैं उसके बाद देखो, सबसे पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट टेम ए टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटे टोटल ऑफ वेट। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट करो, टोटल ऑफ वेट कितना हो गया 10, प्रोडक्ट का टोटल करेंगे तो कितना आ गया 204,000, 2,400,000 और आ गया अपना 74,000, 2,74,000 आ गया। अब क्या करना आपको, टोटल ऑफ प्रोडक्ट लेना है। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपना कितना हुआ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 2,74,000, टोटल ऑफ वेट कितना हुआ 10, ये आ गया 27,400, कितना आ गया 27,400 आ गया। तो 27,400 आपका क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद क्या करेंगे, अपने सामान्य लाभ निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है आपको। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी इनटू प्रत्यय दर बटे में शो, विनियोजित पूंजी इनटू प्रत्यय दर बटे में शो। अब विनियोजित पूंजी अपनी कितनी है, देखो सबसे पहले विनियोजित पूंजी चाहिए, अब विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला लगाओ, विनियोजित पूंजी का सूत्र हो गया टोटल असेट्स माइनस में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, टोटल असेट्स माइनस में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब टोटल असेट्स कितनी अपनी 2,00,000 माइनस में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 1,00,000, तो अपनी विनियोजित पूंजी बचेगी 1,00,000। विनियोजित पूंजी कितनी आ गई 1,00,000। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला क्या है, विनियोजित पूंजी यानी 1,00,000 इंटू में रेट ऑफ रिटर्न प्रत्यय दर जो 10% है बटे में शो, ये आ गया आपका 10,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 10,000 और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका गया 27,400, कितना आ गया 27,400। अब क्वेश्चन मान लो आपका ये है, क्वेश्चन ये है आपको ये निकालना है औसत लाभों के चार वर्ष के क्रय के आधार पे खेती का मूल्य, औसत लाभों के चार वर्ष के क्रय के आधार पर खेती का मूल्य, और नंबर दो आपको निकालना है अधिलाभों के चार वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य। पहला क्या है, औसत लाभों के चार वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य और अधिलाभों के चार वर्ष के आधार पर ख्याति का मूल्य। पहले अपना है
औसत लाभों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य है। तो पहले का क्या था अपना, इसमें देखो अपने पहला है ख्याति बराबर नंबर एक पे है औसत लाभों के चार वर्ष के क्रय के आधार पे। तो इसमें जब ख्याति निकालेंगे तो ख्याति बराबर औसत लाभ इंटू क्रय के वर्ष अब औसत लाभ तो भारित औसत लाभ लेंगे तो भारित औसत लाभ कितना बस 27,400 इंटू में क्रय के वर्ष। तो क्रय के वर्ष कितने हैं चार, इसको चार है ना चार के आधार पे, तो क्या करेंगे चार से गुना कर देंगे तो आ गया 1,09,600। तो औसत लाभों के चार वर्ष के क्रय के आधार पे ख्याति का मूल्य कितना आया अपना, औसत लाभ इंटू क्रय के वर्ष किया तो 27,400 को चार से गुणा किया ये आ गया अपना 1,09,600। दूसरा अधिलाभों का चार वर्ष का क्रय है तो पहले क्या चाहिए हमें अधिलाभ, और अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है देखो पहले यहाँ पे अधिलाभ निकालो, अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ, औसत लाभ में से क्या करेंगे सामान्य लाभ निकाल देंगे तो आपका अधिलाभ आ जाएगा। औसत लाभ आपने कितना निकाला है 27,400, तो 27,400 और सामान्य लाभ आपने कितना निकाला था, सामान्य लाभ अपना था 10,000, तो 27,400 में से क्या करेंगे 10,000 लेस कर दिए ये आ गया 17,400। तो अधिलाभ आ गया अपना 17,400। अब अधिलाभों के चार वर्ष के आधार पे ख्याति का मूल्य, तो ख्याति बराबर अधिलाभ आ गया 17,400 गुणा में कितने से करना है चार से, इंटू चार कर देंगे तो 17,400 इंटू में चार आ गया अपना 69,600। तो औसत लाभ इंटू करे के वर्ष करके हमने ख्याति का मूल्य निकाला तो वो तो आ गया अपना 1,09,600। और अगर ख्याति निकाली हमने अधिलाभों के चार वर्ष के क्रय के आधार पे तो आ गया अपना 17,400 इंटू में चार, तो 69,600 आ गया। तो ये अपनी विधि होगी कौन सी, औसत लाभों के क्रय के आधार पे और अधिलाभों के क्रय के आधार पे। दोबारा देखो सवाल कैसे करेंगे, पहले तो दोनों का फॉर्मूला देखो, औसत लाभों के क्रय के आधार पे जब ख्याति निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है औसत लाभ इंटू क्रय के वर्ष, और अधिलाभों के क्रय के आधार पे जब ख्याति का मूल्य निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अधिलाभ इंटू क्रय के वर्ष। अब इसमें औसत लाभ निकालेंगे तो कौन सा औसत लगेगा, चूँकि लाभ है वो क्या है बढ़ते हुए क्रम में है, पहले साल 20,000 फिर 25,000 फिर 28,000 और फिर 30,000, लाभ है वो बढ़ते हुए क्रम में है इसलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ ना मिले, चाहे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ ना मिले लेकिन आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सहारा लेना पड़ेगा, इसमें आप सिंपल एवरेज नहीं निकाल सकते जब लाभ क्या हो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। लाभ इसमें क्या है बढ़ते क्रम में चल रहा है, तो पहले 20,000 फिर 25,000 फिर 28,000 और फिर 30,000, वेट क्या देंगे सबसे कम जो प्रॉफिट है उसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई किया 20,000 को 1 से तो कितना आ गया अपना 20,000, 25 को 2 से किया तो 50,000, 28 को 3 से किया 84,000, 30 को 4 से किया 1,20,000, टोटल इसका 274 आ गया। पहले क्या करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटे टोटल ऑफ वेट, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपना हो गया 274 और टोटल ऑफ वेट कितना है 10, तो 274 में 10 का भाग दिया 27,400 आ गया, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपना 27,400 आ गया। दूसरा हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमें अधिलाभ भी चाहिए तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी और रेट ऑफ रिटर्न यानी 10 और बटे में 100, तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट है वो 10,000 आ गया। अब आपको एक तो क्या करना है
उस तालाबों के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर खेती का मूल्य निकालना। उस तालाब कौन सा लेंगे जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, और जो कितना दे रखा है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 27,400, और उसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 4 से, तो 27,400 इंटू 4 109,600 आ गया। और ख्याति निकालेंगे दूसरी विधि से अधिलाभों के 4 वर्ष के आधार पे, तो पहले अधिलाभ निकालेंगे। अधिलाभ का फॉर्मूला होता है औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ। औसत लाभ हमने निकाला 27,400, सामान्य लाभ निकाला 10,000, तो अधिलाभ कितना आ गया 17,400। आप 17,400 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, वो 4 से, तो 17,400 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 69,600 आ गया। तो औसत लाभ केवल क्रय के आधार पे तो आया अपना 109,600, और अधिलाभ के क्रय के आधार पे आ गया 69,600। नंबर 2 पे अपने देखो अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि में नंबर 2 पे वार्षिक वृत्ति विधि, वार्षिक वृत्ति का मूल्य निकालना हो, या आपको मान लो ख्याति का मूल्य निकालना है वार्षिक वृत्ति विधि में, तो इसका फॉर्मूला है ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू वार्षिक वृत्ति का मूल्य। अब वार्षिक वृत्ति का मूल्य होता क्या है, ये आपको वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि 8 रुपये की जो क्रय शक्ति है, मान लो कोई चीज़ 1 रुपये में आती है, तो वो चीज़ 5 साल के बाद कितने रुपये में आएगी, मान लो 2 रुपये में, 3 रुपये में, 4 रुपये में, तो वो वैल्यू आपको दी होगी। तो आपको क्या करना है, अधिलाभ को वार्षिक वृत्ति का जो मूल्य दिया उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको ये देते एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट बराबर देते 40,000, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर 30,000, और वार्षिक वृत्ति का मूल्य आपको पॉइंटों में दिया हुआ है, ऐसे 2.4321 ये दे रखा है, 2.4321। अब आपको ये कहे कि वार्षिक वृत्ति विधि से ख्याति का मूल्य निकालिए, तो अधिलाभ को क्या करना है, वार्षिक वृत्ति के मूल्य से गुणा करना है, और वार्षिक वृत्ति का मूल्य है 2.4321, तो आपको कितने से गुणा करना है, 2.4321 से गुणा करना है। तो पहले क्या चाहिए आपको, अधिलाभ चाहिए, तो अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है, औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ, औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ। अब औसत लाभ दे रखा है इसमें 40,000, सामान्य लाभ दे रखा है निकाल के 30,000। अगर आपको ये दोनों ना दे रखे हो तो आपको निकालने पड़ेंगे जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, इसके एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होता है। तो ऐसा करके आपका अधिलाभ है वो कितना आ गया, 10,000 आ गया। अधिलाभ कितना आ गया, 10,000। अब आपको ख्याति निकालनी है, तो ख्याति अधिलाभ तो आ गया कितना, 10,000 इंटू वार्षिक वृत्ति का मूल्य जो आपको दिया है 2.4321, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 24,321 रुपये ख्याति का मूल्य आ गया। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी होगी आपकी,
वैल्यू ऑफ गुडविल 24,321 रुपये, 24,321 रुपये। तो अधिलाभ विधि में अपनी दूसरी विधि होगी वार्षिक वृद्धि विधि। इसका फॉर्मूला है ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू वार्षिक वृद्धि का मूल्य। तो अधिलाभ इसमें निकालेंगे, औसत लाभ में से क्या करोगे, सामान्य लाभ को घटा दोगे। औसत लाभ दे रखा है 40,000, सामान्य लाभ दे रखा है 30,000, 40,000 में से क्या करोगे आप 30,000 घटा दोगे। तो 40,000 में 30,000 घटा दिए तो 10,000 बच गए। अब आपके वार्षिक वृद्धि का जो वर्तमान मूल्य दिया हुआ है 2.4321 दे रखा है, तो 10,000 को क्या करोगे 2.4321 से गुणा कर दोगे तो ख्याति का मूल्य आ जाएगा। तो ख्याति का मूल्य आ गया अपना 24,321 रुपये। अभी चंद्र अपनी एक विधि और बच गई अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। तो देखो अधिलाभों की पूंजीकरण विधि और औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, चाहे आप अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य निकाल लेना या फिर औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य निकाल लेना, दोनों विधियों में उत्तर वो सेम आएगा। तो अधिलाभों की पूंजीकरण विधि अपने कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।